वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ हमें बताना है एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है इसका। यहाँ हमें देख दे रहा है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। तो ये आयताकार रेक्टेंगल। तो यहाँ पर इसकी लेंथ दे रखी, लंबाई दे रखी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है इसकी ब्रेथ 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे पहले लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ। अब ब्रेथ, ब्रेथ ले लेंगे, ब्रेथ चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया, उसके बाद निकालेंगे हम इसका पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला है जिसे हम कहेंगे क्षेत्रफल एरिया। इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी 30 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 सेंटीमीटर, तो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया, एरिया हो गया। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला है जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाण, उसका फॉर्मूला है, सूत्र है उसका 2 मल्टीप्लाई लंबाई विद लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला है इसका 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ संख्या रख लेंगे 2 मल्टीप्लाई लंबाई है 20 और चौड़ाई है 30, दोनों प्लस कर लेंगे, प्लस में ये होगा 50। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा परिमाप हो गया, और ये पेरीमीटर, और ये उसका एरिया क्षेत्रफल।